आज विशेष करके हम लोगों ने मन के ऊपर चर्चा करने के लिए आज का सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। मन एक बहुत बड़ी समस्या है हम सबके लिए, और रामायण में खास करके मन से ही बनी है मंथरा। तो मंथरा मन और हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ये जो पूरा समीकरण है, कैसे इसको हम संभाले, आज हम लोग इस सेमिनार में समझेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, वो है अयोध्या कांड में आने वाली मंथरा का। जब प्रभु श्री राम विवाह करके अयोध्या पहुंचे थे और जब दशरथ जी ने ऐसी घोषणा की कि अब मैं राज्य भार जो है अपने पुत्रों को देना चाहता हूं, तो सब लोग बड़े खुशी खुशी स्वीकार की कि हाँ हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा प्रस्ताव है, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए, और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं देवताओं को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने फिर माता सरस्वती की व्यवस्था से, या यूं कहें कि लीला को आगे बढ़ाने के लिए, मंथरा को अपॉइंट किया। और फिर मंथरा आती है पिक्चर में, और मंथरा जो है वो सारा रामायण का दिशा ही बदल देती है। तो कौन है ये मंथरा, कैसे हम उनको अपने जीवन में देखते हैं, और किस प्रकार से एक अच्छा खासा जीवन कैसे बिगड़ जाता है, ये हम लोग आज की इस कथा में देखेंगे। तो मंथरा, जैसे मैंने बताया, उसका नाम ही बना है मन से, माइंड। और ये माइंड एक मनुष्य के जीवन का सबसे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। माइंड ऐसा हमारा सहयोगी है जो मित्र भी है और शत्रु भी है। तो डिपेंड करता है इसके यूजेज के ऊपर, किस प्रकार हम इसके यूज करते हैं। आगे चल के एक श्लोक भी आएगा इसके ऊपर। तो मन सभी समस्याओं का जड़ है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, ऑफिस वाले हो, बिजनेस वाले हो, हर किसी को एक ही बात कही जाती है, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो, मन लगा के बिजनेस करो, मन लगा के घर में रहो, मन लगा के बाहर मत जाओ, कोरोना काट लेगा। तो ये सब कुछ बस मन मन मन, सारा मन का खेल। और आध्यात्मिक जीवन में ये बताया गया कि मन मतलब माइंड, जिसने कंट्रोल कर लिया वही नंबर वन आध्यात्मवादी है, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, परमात्मावादी हो, या भगवानवादी हो, कोई भी हो। ये मन जो है सबसे बड़ी समस्या, कैसे इस मन को कंट्रोल किया जाए, यही तो सीखने की सबसे बड़ी कला होती है। तो इसका मेटेरियल कोई सोल्यूशन नहीं, मन को कंट्रोल करने कोई मेटेरियल सोल्यूशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी मेटेरियल प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सोल्यूशन ही हो सकता है, मेटेरियल प्रॉब्लम का मेटेरियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो टेम्पररी होगा, आज होगा फिर कल प्रॉब्लम। इसलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्पिरिचुअली हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ऑफ कोर्स विद अ मटेरियल मींस, कैसे हम स्पिरिचुअली इसको कंट्रोल करें। अगर इस सेमिनार को हम ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो मंत्रा जैसे शत्रु को हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे, जो कि एक अच्छे खासे घर को बिगाड़ देती है। जब कैकेयी को देखा गया तो कैकेयी सबसे ज्यादा खुश थी भगवान श्री राम से उनके राज्याभिषेक को लेके, लेकिन मंत्रा ने ऐसा जहर घोला, ऐसा मतलब उनके दिमाग में पूरी पका दिया कि उनका पूरा दिमाग ही घूम गया, उनका सोचने का तरीका बदल गया। उसी तरह एक व्यक्ति के जीवन में भी होता है, अच्छा खासा व्यक्ति, उसके कान में क्या डाला जाता है सब डिपेंड करता है डालने वाले के ऊपर। और एक कान ऐसी चीज है, और इसमें डाला गया विष ऐसा है वो किसी को भी खराब, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए बताया जाता है कानों का विष सबसे खतरनाक होता है। आंखों से पता नहीं चलता, आंख से तो लोग मोहित हो जाते हैं, कान में जो इन्फॉर्मेशन जाते हैं, जो वर्ड जाते हैं, लोग उसमें बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। और खास करके उल्टी बात अगर बोली जाए ना, वो तो बड़ी जल्दी बिलीव करते हैं। अगर किसी के बारे में बोला जाए कि देखो देखो ये मूंछ वाले प्रभु जी कितने अच्छे हैं, कितने होनहार है, कितने तेज है, इन्होंने IAS क्वालिफाई किया है, 10 बार हो सकता सोचे हैं, पर वो बोल देंगे देखो ये मूंछ वाले प्रभु जी ये कहां से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए, ये उग्रवादी है, ये बम लगाने के लिए आए हैं, तुरंत मान लेंगे बात। उल्टी बातें खोपड़ी में जल्दी जाती, माइंड का ऐसा सिस्टम है। तो मंत्रा ने भी क्या किया कि बैठे बैठे जहर घोल दिया। एक बार एक लड़का ऐसे ही अपने एग्जाम्स के को देने के बाद थोड़ा फ्रीक आउट टाइम मजे कर रहा था, वो उस समय बीत गया था, रिजल्ट आने वाला था। तो दूसरे लड़के ने जाकर बोल दिया तुम यहां पार्टी कर रहे हो, मजे कर रहे हो, और तुम्हें पता है तुम फेल हो गए, 5 में से 3 सर्वे में तुम फेल हो गए,
दो ही में पास हुए, उसमें भी वो होम स्कूलिंग के कारण तुम्हें मिल गया मार्क्स। वो बेचारा वो छोले भटूरे और स्प्राइट भी रहा था, वो टेंशन में आ गया, उसने खाना छोड़ दिया, रोने लगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरा पूरा साल खराब हो गया। वो डहक डहक रोने लगा। तो जब देखा कि सच में कुछ ज्यादा ही गंभीर होगा, उसका दोस्त बता रहे तो मजाक कर रहा था, अरे रिजल्ट अभी थोड़ी आते हैं, रिजल्ट तो 25 मई के बाद आते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बेचारा वहां से दोबारा मत बोलो, फिर उठाया वो खाने लगा, वो उसी छोले भटूरे को, उसके पहले खाया नहीं जा रहा था क्योंकि उसने कान में कुछ सुन लिया था ना, वो खाया नहीं जा रहा था, मन डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि छोला भटूरा जो वो गोबर बन गया था और स्प्राइट जो फिनाइल बन गया था, नहीं, वो वही तो वैसा ही था, जैसा था वैसा ही था। लेकिन क्या कि सुनने के बाद ना नजरिया बदल जाता है, इसलिए इस माइंड को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं माइंड क्या है, व्हाट इज माइंड। माइंड को बताया गया है इट्स अ रिपोजिटरी, या फिर एक आप थिंक टैंक कह सकते हैं, रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो इट्स अ सटल पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहला बात ये बताया गया इट्स अ सटल पार्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरा बताया गया है इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। सटल पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है ये मन दिखता नहीं है, आपने कभी नहीं देखा होगा मन ये रहा, ये मन गंदा हो गया, निकाला उसको थोड़ा साफ कर दिया, ये मन दिखता नहीं। इट्स अ सटल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा है, समवेयर ओवर हियर। और बताया गया इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ये एक थिंक टैंक के समान है जिसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी पुरानी यादें और बहुत सारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो आधी अधूरी जो इच्छाएं हमारी रह गई है वो सब के सब यहीं पे ये सेव रहता है। ये है मन, यानी कि पुराना जो इतिहास अगर कुछ हुआ पड़ा है तो भी यहीं पे। जैसे कई बार लोग पूछते हैं हिस्ट्री के बारे में तो लोग बाएं साइड देखते हैं, इधर बाएं साइड, और अगर कुछ भविष्य के बारे में पूछते हैं तो लोग दाएं साइड देखते हैं। अपने देखना कभी अगर पूछा जाए कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए तो लोग बाएं साइड देखते हैं, 92 point something ऐसा था। और अगर भविष्य के बारे में बोलते दाएं साइड देखते हैं तो क्या प्लान कर रहे हो फिर आगे आफ्टर दिस कोरोना काल, तो दाएं साइड देखते हैं। तो ये सब भूत भविष्य वर्तमान सब इधर ही है, और मेमोरीज भी है, यानी कि बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों चीजें यहाँ पे, तुम जो भी आंखों के माध्यम से कान के माध्यम से सुनते सब के सब जब यहाँ जाके जमा होता है, ये है माइंड। नेक्स्ट, क्या मनुष्य और पशुओं में इनमें कोई भेद है, इनके मन में कोई भेद है? ऐसा मतलब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई क्या माइंड तो माइंड है, सबका माइंड क्या एक जैसा है? तो डिफरेंस है भी और नहीं भी है। इसका आंसर ये है कि हाँ डिफरेंस है, एंड एट द सेम टाइम डिफरेंस नहीं भी है। इसको कैसे समझेंगे, तो अगले साइड में आपको दिखाते हैं। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे कि खाना, सोना, संबंध बनाना और अपनी रक्षा करना। ये चार चीजें जो है वो कॉमन है मनुष्यों में भी और पशुओं में भी, लेकिन एक चीज है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, वो है विकसित मन और बुद्धि, डेवलप्ड माइंड और इंटेलिजेंस। देखिए माइंड तो पशुओं में होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिल्ली गलती से जाके जो चूने का पेस्ट खा ली हो, ऐसा कभी नहीं। तो दूध उसको मालूम है ये दूध है और ये चूने का पाउडर है, उसको ये समझ में आता है। उसी तरह अगर कोई शेर है या कोई चीता है वो अपने बच्चे को पकड़ता है मुंह से, उसी से शिकार को भी पकड़ता है, तो उसको पता है कि किसको में दांत लगाना है और किस में दांत नहीं लगाना है। तो बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं अपनी माता के मुंह में जब साथ में जाते रहते हैं, और जो पशु होते हैं वो तड़पते रहते हैं जो उनका शिकार होता है। तो उनको बुद्धि तो है, पर इतनी बुद्धि नहीं है कि आज वो लॉग इन करे और सुने कि मन कैसे कंट्रोल किया जाता है। इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो जाके पूछे कि वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना? मैं कौन था, मैं कहां से आया, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पशु नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बुद्धि है पर इतनी नहीं। तो इसलिए एक श्लोक आता है महाभारत में कि आहार निद्रा भय मैथुन च समयेत ये न पशु भी नराणाम,
धर्मो इतेशो अधिको विशेषो धर्मे न ही ना पशु भी समाना। अगर धर्म का पालन जो ना करे वो किसके समान है? वो पशु के समान। तो एकमात्र धर्म ही है जो कि हम माइंड और इंटेलिजेंस के बेसिस पे करते हैं, एक धर्म ही ऐसी चीज है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। लेकिन अगर हमने इस माइंड और इंटेलिजेंस का प्रयोग धर्म के लिए नहीं किया तो समझिए महाभारत के हिसाब से क्या बने, धर्मे न ही ना पशु भी समान, तो पशु भी के समान हो गए। तो इसलिए माइंड तो है सब में, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन हमारा विकसित है और खास करके इसलिए विकसित है ताकि हम इसका प्रयोग कर सके, इसलिए धर्म के पालन करने के लिए, और यही हमें पशुओं से अलग बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चार चीजों में फंसा रहे, खाली खाने के, सोने के और बच्चे पैदा करने के चक्कर में और अपनी रक्षा करने के चक्कर में, इसका मतलब एक ही चीज निकलता है कि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन का वैल्यू नहीं समझा। यानी कि जैसे किसी को अगर एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए इनाम में और वो हेलीकॉप्टर से अगर खेती करे, सामान ले आए, है ना, मोहल्ले में उसको टहलाए, तो फिर सरकार उसको बोले कि भाई तुम वापस ही कर दो, इसके लिए तुम्हारे ट्रैक्टर अच्छा रहेगा, ट्रैक्टर ले जाओ, ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हो, ये किसी और को दे दो, बेचारा कोई और इसको यूज करेगा, यहां से आएगा विदेश से कुछ लेकर आएगा या दूर दराज के क्षेत्र का काम करेगा, वो दिस इज अंडर यूटिलाइज्ड, तो फिर वो मना कर देंगे, है ना। तो इसलिए अगर भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, अगर हमें मनुष्य का शरीर दिया है, तो ये मनुष्य के शरीर को बहुत कीमती समझना चाहिए, बहुत ही दुर्लभ, है ना। भगवत गीता बताया कि भुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे लोग जो मनुष्य शरीर में आते हैं और बाद में धर्म का पालन करते हैं और फिर भगवान को समझते हैं, वेरी रेयरेस्ट टू रेयर। और हम लोग जो है आराम से पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं, है ना, कब, अगर इन सिर्फ चार चीजों में हम फंसते। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बंधुर आत्मनस्तस्य येनो आत्मेव आत्मनो जितो अतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्तो एव आत्म शत्रुवत्। तो कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वही मन उसका फ्रेंड है, लेकिन अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो यही क्या बन जाएगा, हमारा शत्रु बन जाएगा। तो यानी कि जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये मन हमारे लिए मित्र भी है और हमारे लिए शत्रु भी है, डिपेंड करता है इसकी यूजेज के ऊपर, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, अगर नाव है, नाव से अगर इस पार से उस पार जाना हो तो पानी हमारे लिए मित्र है या पानी हमारे लिए शत्रु, तो आप देखेंगे कि वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है पानी। क्यों? क्योंकि अगर पानी रहेगा नहीं तो नाव उस पार जाएगा कैसे, भाई पानी के सहारे ही तो उस पार जाना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब नाव में अगर लीक हो गया है, पानी घुस रहा है, अरे कोई बात नहीं, बेचारे इस पानी के कारण उस पार जा रहे, चलो आने दो, कोई बात, आओ भाई, आ जाओ, लीक करके आ जाओ, आओ भरो भरो, आराम से भरो, तो फिर क्या होगा, नाव डूब जाएगा, है ना। उसी तरह ये माइंड है, अगर इसको नहीं कंट्रोल करके रखें, नहीं इनको इसको टाइट करके रखें, तो ये हमें डुबा भी देगा और डुबाता भी है। और कैसे डुबाता है, है ना। अब ये देखिए इस एग्जांपल में दिया जा रहा है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। जैसे पहला आता है डिप्रेशन, फिर है उसके आगे क्योटिक सिचुएशन, फिर है एक्सप्लॉइटेशन, है ना, फिर उसके बाद है डिजीजेस, इंटॉक्सिकेशन, है ना, एडल्ट्री, वीकेंड डिटर्मिनेशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट, है ना, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये कुछ चीजें मैंने आपको गिनवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से, है ना। जैसे बताया जाता है कि बीमारी, कर्ज, शत्रु, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे कई लोग बीमार है, अरे हमारा तो ऐसे ही है, हम तो बड़े बड़े बीमारियों को चुटकी में उड़ा दिए, जब तीन दिन बाद पता चलता है, जब सांस अटक रहा था, अरे भैया तो बहुत ज्यादा हो गया, अब भागने का जगह नहीं मिल रहा है, तो हल्के में ले लेते हैं, नहीं, यू शुड बी वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि माइंड माइंड इस प्रकार का गेम खेलता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसा कर देता है। उसी तरह जैसे क्योटिक सिचुएशन, अफरा तफरी का माहौल, ये कब आता है, जब आप कभी टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि लोग अपने आप को जब फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ फायर में रखते हैं, यानी कि जो चीज जिस समय करने को वो चीज उस समय अगर न किया जाए तो बाद में फिर डेडलाइन आ जाता है और फिर क्या होता है, हबड़ तबड़, है ना। जैसे कि बच्चे पढ़ाई करने का होता है, उसमें पढ़ाई नहीं करते, लास्ट सोचता है हम दो महीने में निकाल लेंगे, हमारे कौन सी बड़ी चीज है, हम तो अक्सर निकाल लिया करते हैं, अब उस समय पता चलता है कि किताब ही नहीं मिल रहा, अब क्या करोगे, नोट्स ढूंढ रहे हो, यहाँ भागे भागे चल रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना। तो ये फिर क्या है, क्योटिक सिचुएशन, और वही फिर आपको डिप्रेशन में डाल देगा। उसी तरह इंटॉक्सिकेशन है, एडल्ट्री है, लोग नशा कर लेते हैं माइंड के चक्कर में,
फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं, गाना गाते हैं लोग तो फिक्र को धुएं में उड़ाता है, तो धुएं उड़ाएंगे उस समय तो धुएं उड़ जाएगा फिक्र, नो डाउट, बड़ा मजा आता है। फिर बाद में क्या होगा देखेंगे, उस एक से नहीं जा रहा, फिर दो दो लगाना पड़ेगा, फिर चार चार लगाना पड़ेगा, फिर बन जाएंगे हम चेन स्मोकर, गांजा स्मोकर, है ना, फिर एक से बढ़कर एक ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। बीमारी तो गई नहीं, उल्टी डबल ट्रिपल हो गई, 10 times हो गई, और समस्या और जटिल होती गई, तो माइंड ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां इसने हमें थोड़ा सा कैजुअल बनाया, यानी कि आगे चल के हमारा रास्ता ये खतरों से खाली नहीं है, ये पक्का गड्ढे में गिरा। और आपने देखा होगा कई बार इस माइंड के चक्कर में इनकी बात, इसके बातों को मानने के बाद इतना दुख होता है ना? जैसे कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो क्लास में क्या जाए, आज रहने दो, आज कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, 2 घंटा लग जाता है, कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे लोग पढ़ भी नहीं पाते, लगता है कि हम नहीं जाएंगे क्लास में तो पढ़ लेंगे, पर पढ़ भी नहीं पाते, उनका टाइम ऐसे ही बीत जाता है। फिर बाद में अफसोस करते हैं, अरे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्लास ही सुन लिया होता थोड़ा सा, कुछ तो पता चल गया होता। सब माइंड का गेम होता है, और वही माइंड अगर आप क्लास में चले गए तो बाद में आपकी तारीफ भी करेगा, अरे तुमने बड़ा अच्छा किया क्लास में आके, मैं तो बोलता ही रहता। जैसे खास करके व्रतों में होता है, जैसे व्रत आता है ना, व्रत, व्रत में क्या होता है कि पहले तो माइंड बोलता हाँ हाँ फास्टिंग करना, फास्टिंग करना, एकादशी है अभी, निर्जला एकादशी भी आने वाला, फास्टिंग करना, पहले तो फास्टिंग करा देगा। और फिर दोपहर या शाम के समय में ना माया देवी इसे माइंड की परीक्षा लेती है, मतलब परीक्षा तो हमारी लेती है पर माइंड के माध्यम से हमारी परीक्षा लेती है। माया देवी क्या बोली, बस 5 मिनट 5 मिनट, नहीं नहीं नहीं, अच्छा 2 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट, बस 1 मिनट देखना है, बस उसके बाद तो गए, गए सिनेमा देखने के लिए, हो गया व्रत। या फिर कुछ ना कुछ खाने का ऑफर आ जाएगा, जब खास करके व्रत किए रहते हैं घर में, कोई ना कोई व्रत नहीं किया रहता, कोई ना कोई ऐसा मतलब प्रोवोकेटिव आइटम्स ले आएगा कि आपको देख के आपका जीव लगवाने लगे, उस समय कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। एक हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं कई बार, आचार्य लोग सुनाते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स के, एक बार ऐसे ही एक बंदर था, वो बंदर ने क्या किया, निश्चय किया हम व्रत करेंगे, हम ये फास्टिंग करेंगे। अब मान लो बाकी बंदर लोग कहने लगे अगर इसने फास्टिंग कर ली तब तो फिर बाकी लोगों के लिए तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, देखो बानर होके फास्ट कर लिया है, हम लोग फास्ट नहीं कर पाते, इन सबने प्लान बनाया इसलिए इसका फास्टिंग तोड़वाना है। तो सब लोग गए और जाके बोलते हैं कि अरे बानर भाई, हमने सुना है कि तुम फास्टिंग कर रहे हो। बोला हाँ जी, हम तो व्रत पे हैं, आज हमें काची व्रत किए हैं, बड़ा अच्छा, पर हमने तो ये भी सुना है कि लोग खाने की वजह से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, अब तुम नहीं खाओगे, मान लो कमजोर पड़ गए तब, तो हमारा तो कहना ये है कि चलो पारण तो कल है, कल खाना है, आज लेके रख लो बगल में, मान लो कल कमजोर पड़ जाओगे, कौन ले आके देगा, नहीं ले आके देगा, वैसे लॉकडाउन का समय है, पहले से ले आके रख लो सामान घर में। बोला हाँ ये बात सही कह रहे हो, बहुत अच्छे हो तुम लोग, बोले आके अपने घर में रख लिया। फिर दूसरा बोलता है लेकिन एक बात है, कहीं कमजोरी इतनी ना बढ़ जाए कि तुम्हारे पास उठाने की ताकत ना रहे, इसलिए हम तो कहते हैं उसको हाथ पकड़ लो। कहता हाँ ये बात भी सही है, ये भी सच्ची कह रहा है, तो क्या किया, हाथ पकड़ लिया। फिर तीसरा कहता है अरे भाई एक बात बोलो, जब आदमी बीमार पड़ता है तो हाथ और पैर चलता है क्या, मान लो हाथ ना चला तो समस्या और बढ़ जाएगी ना, और फिर मान लो कल खाने को कोई दे ना दे। मैं तो ये कहता हूं यहां रख लो, यहां पे रख लो, है ना, खाना मत, यहां रख लो, कल खा लेना, क्या फर्क पड़ता है। वो भाई साहब लिया, यहां रख लिया, अब यहां रखने के बाद कहीं रहता है क्या, यहां रहने के बाद बचेगा, खा लिया हो गया, अरे बोल उसका डिटर्मिनेशन है ना। तो इस प्रकार से माइंड ना चाल चलता है, बेवकूफ बनाता रहता है, बुद्धू बना रहता है, क्या क्या बोलेगा, अरे भी प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल रहना चाहिए, देखो वैसे भी कितना कमजोर हो रहा हूँ मैं, कितना पतला सा हो रहा हूँ मैं, है ना। और फिर जान है तो जान है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कितने सारे प्रवचन याद आने लगते हैं उसमें से, सब का सब मन का चाल होता है, इस प्रकार से मन हमारे को फंसाता है। एक और आपको कॉन्सेप्ट इसी मन के बारे में बताएंगे, जैसे बताते कि मन, मन को जानने के पहले हम ये समझे कि इस शरीर में इसका अस्तित्व कहाँ पे है। तो बताया गया है कि ये जो शरीर, जो साइंटिस्ट बताते हैं ये हाड़ मांस का बना हुआ है और इसकी कीमत बड़ी कम है, तो पुराना स्लाइड 350 लिखा है, वैसे तो आप इसको 3500 समझिए या 3.5 लाख भी कह लीजिए। क्या सच में मनुष्य का जीवन सिर्फ 3500 या 3.5 लाख के बराबर है? और अगर ऐसा है तो फिर इस स्लाइड में आप देखिए और बताइए कि मान लीजिए कोई आपका मित्र, भगवान ना करे अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी से, और गाड़ी BMW की 50 लाख की गाड़ी है, अब मित्र तो 3-3.5 लाख का ही है, तो क्या कोई गाड़ी उठा के गैराज ले जाएगा या मित्र को उठा के हॉस्पिटल?
भाई अगर कैलकुलेशन से देखा जाए तो लगेगा कि गाड़ी को ले जाना चाहिए क्योंकि तो 50 लाख की गाड़ी है, मित्र तो 3,500 या 1 लाख का ही है, पर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एक मित्र अगर चाहे कई गाड़ियां खड़ी कर सकता है, लेकिन कई गाड़ियों जो है वो मिल करके भी एक मित्र खड़ा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो अनमोल है। शरीर का हो सकता है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम कीमत हो, लेकिन जो शरीर के परे एक और चीज है वो है आत्मा, वो है अनमोल है, जो कि इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा हायरार्की या फिर हमारे शरीर की पहचान है। इसमें बताया गया कि सबसे नीचे जो है हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसको हम परसीव करना चाहते हैं, है ना, और उसके ऊपर आता है सेंसेस, यानी कि आंख नाक कान मुंह त्वचा, ये सब जिसको वो भोगना चाहती है। और सेंसेस का बॉस जो होता है वो होता है माइंड, और माइंड जो है वो इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली काम करता है, और उसके ऊपर होता है फॉल्स ईगो, और उसके बाद है हम लोग सोल आत्मा। तो ये जो है हमारा हायरार्की सिस्टम। अब यहां पे ये बताया गया है कि जो माइंड है वो इंटेलिजेंस से नीचे है, यानी कि इंटेलिजेंस का सबऑर्डिनेट है। इसको इस वाले फिगर से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, जैसे पीछे में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति उस रथ पे सवार है, वो यात्रा कर रहा है, और इस रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो ब्लू रंग के टी शर्ट में है, ओके, और उसके हाथ में एक लगाम है, और लगाम जो है बंधा हुआ है घोड़े से। तो इसमें जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति है वो वास्तव में एक पैसेंजर, और वो पैसेंजर वास्तव में हम लोग, उसको कहते हैं सोल, ठीक है। और ये जो टी शर्ट वाला व्यक्ति है, ब्लू टी शर्ट में जो स्लीवलेस पहना है, ये है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस ने जिसको पकड़ रखा है जिन लगाम को, उसको कहते हैं माइंड, और माइंड जो है इसको गाइड कर रहा है आगे घोड़ों को, उसको कहते हैं सेंसेस। तो अगर ये हमारी पूरी जिंदगी की यात्रा हो, मान लीजिए हम यात्रा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में किसी भी यात्रा को सफल बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो वास्तव में इस ब्लू रंग के टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति का है, अर्थात इंटेलिजेंस का है। अगर इंटेलिजेंस ठीक रहे, अगर इंटेलिजेंस ठीक रहता है तो सब ठीक है, वो माइंड को कंट्रोल करेगा, और माइंड जो है फिर सेंसेस को कंट्रोल करेगा, और अगर सेंसेस ठीक है यानी कि आपकी यात्रा तो समझो फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर इंटेलिजेंस गड़बड़ हो गया, यानी कि लगाम गड़बड़ होगा, यानी कि घोड़े जो है वो भटक जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो वास्तव में इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का है। तो माइंड से अभी हम इंटेलिजेंस पे आ गए, और अगर इंटेलिजेंस को अगर हम ठीक करेंगे तो माइंड जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसे एक श्लोक है, ये चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुर्वसु दुष्करम। तो कह रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु, मैं अगर चाहूं तो अपने बाहुबल से ना हवा को भी कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन ये मन ये बहुत ही जिद्दी है, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इसको चाह करके भी कंट्रोल करना ना पॉसिबल नहीं है, ये माइंड इतना ढीठ और बदमाश। वास्तव में ये बताया जाता है कि माइंड इंटेलिजेंस और सेंसेस ये क्या है। देखिए, जो इंटेलिजेंस है ना इज लाइक ए हस्बैंड, और माइंड इज लाइक वाइफ, और सेंसेस जो है वो बच्चे के समान, ठीक है ना। तो अगर हस्बैंड स्ट्रांग रहेगा ना परिवार में, डेली मंगल आरती आएगा, माला करेगा, भागवतम पढ़ेगा, धोती कुर्ता पहनेगा, तिलक लगाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना, वाइफ भी उसको फॉलो करेगी, है ना, उसकी बात को मानेगी, हाँ ये डरेगी उससे, है ना, फियरफुल रेस्पेक्ट रहेगा, और ये दोनों ठीक रहे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे, बोले रे ये लोग बड़े स्ट्रांग है, सुबह उठ जाते हैं तो इनके चक्कर में। लेकिन अगर ये अगर कमजोर हो गया ना, ये हस्बैंड ये कमजोर, ये पता चला कि 13 बजे तक सोता रहता है, काम काम करता नहीं है, है ना, और स्मोकिंग करता रहता है, बदमाशी करता रहता है, सारे उलपटांग हरकतें करता रहता है, फिर क्या है, वाइफ जो है वो बदमाश हो जाती है, अनकंट्रोल्ड, फिर क्या होगा। अब मान लो किस दिन पता चला कि हस्बैंड को बहुत बड़ा बोनस मिला है, चलो कहाँ चलो, मार्केट चलो, क्या आज वो है फेस्टिवल है,
फेस्टिवल में चलो करवा चौथ है, क्या खरीदना है, ये जेवर खरीदना है, वहां गए जेवर दिखाओ भाई, जेवर दिखाओ मेरे वाइफ को, जेवर दिखाओ, जेवर दिखा रहा है और वाइफ को वो बोलता है अच्छा बताओ कौन सा लेना है, वो कहती है सारा लेना है, अरे सारा लेना है, एक ले लो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए, कोई बात नहीं क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, क्रेडिट कार्ड खर्च करो, क्रेडिट कार्ड निकालो, स्वाइप 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 स्वाइप, है ना। हस्बैंड जो हैंडपैक्ड है वो बेचारा कमजोर आदमी है, उसको समझ में आ नहीं रहा, वाइफ की बात मानता है, ले गए कर्जो पड़ेगा, बाद में बच्चे चिल्ला रहे चॉकलेट चाहिए, ये खिलौना चाहिए, वाइफ बोलेगी ये बच्चा रो रहा है इसको कुछ दो, उसको भी दो, बेचारा पागल हो जाएगा वैसा। दूसरी तरह ये माइंड इंटेलिजेंस और सेंसेस में अगर बुद्धि स्ट्रांग है वो ठीक माइंड को कंट्रोल करके रखे, और अगर माइंड कंट्रोल रहेगा ना सेंसेस, सेंसेस का काम ही है ये दे दो वो दे दो, ये देखेंगे वो देखेंगे, ये करेंगे वो खाएंगे, सेंसेस दिन भर पागल बनाता रहता है, और वो जाके मम्मी को बोलता है मम्मी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, है ना, और वो जाके फिर बोलता है उनको पैसे दो, उनको ये करो वो करो वो करो, लेकिन वो ऊपर से टाइट रहेगा, फिर मम्मी भी टाइट बच्चे भी टाइट, वेरी सिंपल। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हमारे को डिग्रेड करता है ये, तो बता रहे कि सबसे पहले क्या करता है ये कि कंटेम्पलेट दी सेंस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये जो मन है ये क्या करता है किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद में ये भटकता है ना, उसके बारे में विचार करता है, फिर क्या होगा धीरे 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 उससे अटैचमेंट हो जाएगा, मैं चाहिए तो चाहिए, फिर उसके बाद फिर लस्ट, लस्ट डेवलप हो, और लस्ट के बाद फिर क्या होता है अगर लस्ट पूरा नहीं हुआ फिर क्रोध आएगा, क्रोध से उसकी कंप्लीट डिल्यूजन, मेमोरी लॉस, और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस लॉस, लास्ट में डिफीट। इस प्रकार से देखिए मन कैसे किसी को डिग्रेड करता है, और ये वास्तव में भगवत गीता का श्लोक है पिछले अध्याय का, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुभ जायते, संगात संग जायते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधात बहुत ही सम्मोहात सम्मोहात स्मृति, स्मृति ब्रह्म साध बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो कह रहे कि ये मन एक विषय वस्तु को बस दिखाता है, देखो देखो देखो, देख लिया उसे विचार करो, फिर उसको खा लो ले लो देख लो लूट लो, वो बढ़ाते जाता बढ़ाते जाता, तो देखते सब है, उसके पॉन में क्या करना चाहिए उस पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर मी, इसको हटाओ, क्यों, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेगा, और इतना जिद्दी बन जाएगा चाह के भी यू टर्न नहीं ले सकते। जैसे एक एक न्यूज आर्टिकल ऐसी करके आया था कि एक जो प्रिंसिपल था उसने क्या किया था, एक बच्चे का शोषण किया था, इसी तरह उसने अपने ऑफिस में बुलाया और उसके साथ जो है कुछ दुर्व्यवहार किया, अब दुर्व्यवहार करने के बाद क्या हुआ कि वो पता चल गया, फिर बाद में मीडिया में आ गया, मीडिया में आया तो उसका फोटो कैसे दिखा रहा, वो बैठा हुआ चेयर पे और पीछे में एक ऐसे करके ना एक फोटो राक्षस का बना हुआ, वास्तव में वो माइंड है। तो जब कंट्रोल नहीं करते ना तो हमारे अंदर का जो राक्षस है ना वो जाग जाता है और वो क्या करता है फिर अटैक करता है, तो दिखता नहीं है माइंड, वही माइंड जो है ना विकराल रूप धारण करता है। हम लोग कुछ साल पहले एक बार ऐसे ही गए थे एक प्रिजन हाउस में प्रचार करने के लिए, तो वहां पे कुछ लोगों से बात हुई, हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो बता रहे थे कि जब उन्होंने क्राइम किया तो उस समय क्राइम के समय उनको लग नहीं रहा था कि क्राइम ऐसा रूप धारण कर सकता है ना, वो कहते हैं पता नहीं प्रभु जी उस समय क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया और मैंने फिर ऐसा कर दिया, मैंने गाड़ी चढ़ा दिया, मैंने पुल तोड़ दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया लाइक दैट, और आज स्थिति देखिए क्या, दिस इज डिफीट। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यस बाय द फोर्स ऑफ स्ट्रांग इंटेलिजेंस। इस माइंड को इसलिए कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका बताया गया क्या, वो स्ट्रांग इंटेलिजेंस। अगर बुद्धि जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं आप, उस मन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसलिए बताया गया है कि बुद्धि और मन दोनों अलग अलग चीज है। मन का काम क्या है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग, बस चाहिए तो चाहिए, देखना है तो देखना है, करना है तो करना है, खाना है तो खाना है, सोना है, बस उसको डिजायर, उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस क्या करता है, वो बताता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि माया क्या करती है, इंटेलिजेंस के माध्यम से ना माइंड को मूर्ख बना देती है, इंटेलिजेंस को कमजोर कर देती है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जब खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ कुछ ऑफर्स आते हैं, है ना, जैसे 10 रुपए में 4 आइटम आता ना बस में कभी कभी बेचने के लिए, 10 रुपए में 4 आइटम, इतना बड़ा पेन उसके साथ रबर कटर और एक ब्रश फ्री, अरे 10 रुपए में 4 आइटम, ये भैया देना देना देना, ऐसे कहते हैं ना, हम सोचते हैं हम कितने चलाक है, नहीं चलाक थोड़ी हो, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, वो घर ले आते लिखने के लिए, जैसे लिखते हैं पीछे ढक्कन निकल जाता है, उसको ठीक करने जाते पता लगे उसका जो लिक्विड बहने लगा शुरू कर दिया, उसका जो फूंक के देख रहे हो उसको आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हो हवा आर पार हो रहा है, नहीं तो कुछ है ही नहीं,
अंदर में खाली इसको रंग दिया था, ठग लिया। माया बिल्कुल ऐसे ही है ना, माया ऐसे ही ठगती है। तो माइंड को क्या लगता है बड़ा मजा आएगा, बड़ा दे, लेकिन वो वास्तव में माया का चाल होता है, वो बुद्धू बनाने के लिए होता है। इसलिए असुर का जो डेफिनेशन है ना, असुर, तो असु मने क्विक एंजॉयमेंट है ना, असु का मतलब होता है कि इंस्टेंट सुख, और र मने आनंद। तो असु मने इंस्टेंट और र मने आनंद, जो इंस्टेंट आनंद चाहे ना, इंस्टेंट सुख, इंस्टेंट इंस्टेंट, वो गड़बड़ होता है। जैसे कि इंस्टेंट फूड होता है ना, फास्ट फूड, बहुत डेंजरस होता है। जो फूड फास्ट होता है, जल्दी बनता है, वो देर से पचता है, और जो फूड देर से पकता है वो जल्दी पचता है ना। जैसे कि गांव में पोपले पे गोइठे पे बनाते हैं या लकड़ी पे बनाते हैं, धीरे 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 पकता है, वो जल्दी पच जाएगा, उसमें स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। पर यहाँ तो सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट, चपाती भी इंस्टेंट है, मटर पनीर भी इंस्टेंट है, पालक पनीर भी इंस्टेंट है, ये बस ले आओ, बोलो गर्म पानी डालो, हो गया जी इंस्टेंट, बड़ा मजा है। वो इंस्टेंट तो गया लेकिन अंदर जाके ना कुछ और ही कर देगा। जैसे स्लोगन आता है ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, अरे टी शर्ट लिखाता है जस्ट डू इट, फिर उसके बाद भुगतो इट, है ना, उसका कीड़ा इट, मकोड़ा इट, फिर बनते रहो, फिर ऐसा करते। तो ये माइंड क्या करता है, इस चक्कर में फंस जाता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगा तो क्या करेगा, उसको फंसने नहीं देगा, उसको बताएगा नहीं दिस इज रॉन्ग, इसके इसके कारण जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लाइक दैट। तो माइंड जो है उसको क्या करता है, वो प्यूरिफाई करता है, उसको कंट्रोल करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसी माइंड को इतना पावरफुल बना देता है, उसे सही आउटकम निकालना शुरू करता है। तो अल्टीमेटली फिर जब हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे अगर आते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में क्या देखते हैं कि कैसे इस माइंड को फिर कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल जो दिया जाता है वो क्या है, इंगेज द सेंसेस एट द राइट प्लेस। सबसे पहले इन घोड़ों को, इन इंद्रियों को सही जगह लगाएं। इंद्रियां यानी कि जैसे मैंने बताया आंख कान मुंह त्वचा, ये सब ये डेटा एक्वायरिंग सेंसेस है, सारी इंफॉर्मेशन ना इन्हीं से आती है। अगर इनसे इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर अंदर जाए फिर माइंड ठीक रहता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे कई बार कुछ न्यूज ऐसे आते हैं जिसमें धमाके से उड़ गया, चिथड़े उड़ गए, उसको ब्लर कर देते हैं, उसको नहीं दिखाते, इसलिए क्योंकि सेंसेस से जब वो डेटा अंदर जाता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वही अगर हम टेम्पल आते हैं, मंदिर आते हैं, तो यहां पे आने के बाद हमारे सेंसर्स में प्रॉपर डेटा फीड होता है, फिर माइंड रिलैक्स होता है, अच्छा होता है ना। जैसे कि एक मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल दक्षिण भारत में, तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे कछुआ है, स्टोन का बना हुआ कछुआ प्रेजेंटेशन, वो दिखा रहा है कि उसके हाथ पैर निकले हुए, गर्दन बाहर निकले से हाथ करके किया हुआ है। कछुआ का एग्जाम्पल भगवदगीता के दूसरे अध्याय में दिया गया, बताया था कछुआ कि जब भी खतरा होता है तो अपने हाथ पैर को अंदर खींच लेता है, लेकिन जब वो सेफ महसूस करता है तो हाथ पे बाहर करता है। उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को ना सावधान रखना चाहिए, जहां हमें लगे कोई आपत्तिजनक चीज है तुरंत उसको वहां से हटा लेना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो अच्छा देखें, जैसे भगवान का दर्शन करें, शास्त्रों को पढ़ें, है ना। मॉडर्न टीचिंग्स के बारे में तो क्या कहें, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इट्स लाइक गोइंग टू अ स्लॉटर हाउस। इसलिए हमारे शास्त्रों को बताया गया है, आवर शास्त्रस आर लाइक मदर, ये शास्त्र हमारी माँ के समान, और ये मॉडर्न एजुकेशन को पूतना बताया गया, पूतना है ना, पूतना भी माँ को रोल करके आई थी लेकिन जहर, वेरी डेंजरस। तो क्या देखते हैं उसमें बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेट हमें करना चाहिए, विच इज करेक्ट विच इज नॉट। उसी तरह सही चीज खाना चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी आइटम्स, 4 घंटे के अंदर जो पका हुआ आइटम होता है वो, सात्विक फूड, इन सभी चीजों से भी मन का बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं ना जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो अन्न का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सात्विक आइटम ही हमें स्वीकार करना चाहिए, फ्रेश गर्म, है ना। अभी तो लोग चुन चुन के गरम गरम आइटम खा रहे हैं, बढ़िया आइटम खा रहे हो पता चल रहा है, अब तो ड्राई फ्रूट भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जो पोषक तत्व तो है प्रोटीन वगैरह वो सब ले रहे हैं, क्योंकि आफत आ गया ना सर पे। उसी तरह कानों से भी बताया गया, जैसे शुरू में बताया था आपको कि कान जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव है अगर इसका प्रॉपर यूज नहीं किया जाए, तो अगर निंदा चुगली सुनते हैं आप देखेंगे मन डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अच्छी कथाएं सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं, हरिनाम सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, तो आप देखिए चेतना कितनी अच्छी रहती है, माइंड कितना बढ़िया रहता है। तो ये हमारे हाथ में, तो सिंपल बस यही करना है कि इन सेंसेस को सही जगह लगाएगा, जहां गड़बड़ जगह लगाया तो माइंड डिस्टर्ब होगा। दूसरा सॉल्यूशन इसमें बताया गया है वो क्या है, विल पावर, है ना, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज।
स्पिरिचुअल नॉलेज से आएगा हमारा ये विल पावर. नेक्स्ट, तो स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब हो गया कि अभी हमारा जो इंटेलिजेंस है वो नीचे है, माइंड का पोजीशन जो ऊपर है, अगर हमें उसको ऊपर लाना है तो कैसे ला सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. जैसे कि एक बार क्या हुआ, भगवान एक व्यक्ति को कहा इस पत्थर को लो, इस पत्थर को ऊपर चढ़ाना है, ऐसा कर ऊपर चढ़ाना, एक व्यक्ति को कहा उन्होंने, और वो स्टीप चढ़ाई थी. तो बोलता कि हाँ हाँ ठीक है, बोलता मैं एक सप्ताह बाद आऊंगा, तुमसे मिलता हूं. एक सप्ताह बाद भगवान आए और बोले अरे तुम भी यहीं पे हो. बोले हाँ प्रभु, मैंने इतना ट्राई किया कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो सरक भी नहीं रहा. बोले कोई बात नहीं, तुम अपने मसल्स देखो, तुम्हारे मसल्स बन गए, भले पत्थर आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, बस तुम्हारे प्रयास. उसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज होता है. कई बार भगवत गीता, रामायण, महाभारत, कथा, कीर्तन सब सुनते हैं, लगता है इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. मसल्स बन रहे अंदर अंदर, पता नहीं चलेगा. जैसे याद है, देखिए छोटे में कई बार पेरेंट्स मना करते थे सिनेमा नहीं जाना है ना, ये नहीं खाना है. जैसे मदर क्या बोलती थी, माँ बोलेगी क्या स्कूल जाना, स्कूल के सामने वाली मिठाई दुकान से मिठाई बिल्कुल मत खाना, उसे कितनी मक्खियां बनबनाते रहती हैं, जो मिठाई खाना हो घर पे आना, घर पे बना के देंगे, है ना. हम लोगों ने समय बात मान ली, जिन्होंने मान ली बात उनका पेट ठीक हो गया या ठीक रहा, गलत आदत नहीं पड़ी, जो सिनेमा इस तरह के नहीं देखते तो बच गए वो. तो उस समय क्या किया, अपने आप को रेजिस्ट किया, उस समय कंट्रोल किया, थोड़ी मेहनत की, उस समय उसका असर अब दिख रहा है जीवन में. उसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज का असर तुरंत नहीं दिखता है, हमें पढ़ना चाहिए, डेली सुनना चाहिए. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, लगातार हर दिन सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए, उसकी चिंता नहीं करें. एक समय के बाद देखेंगे आपका माइंड और इंटेलिजेंस दोनों जो शार्प, वास्तव में इस ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञानता का हम नाश कर सकते हैं. और इस बुद्धि को तेज बनाने का, शार्प बनाने का तरीका यही है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज डेली पढ़ा जाए. उसी तरह एक बच्चा था, वो अपने दादाजी को बोलता है, क्या दादाजी आप डेली यही भगवत गीता पढ़ते रहते हो, एक ही किताब बार बार पढ़ते हो, मुझे देखो हर साल मेरे नए नए किताब आते, आपका तो एक ही किताब हर साल पढ़ते रहते. उसके दादाजी ने बड़ा एक डायनामिक तरीका निकाला समझाने का. वो कहते हैं उसको, ये टोकरी लो और जाओ इस टोकरी में पानी भर के जाओ. जाता है पानी भर के लाता है, और जब पानी भर के लाता है तो टोकरी में पानी टिकने वाला का है, सारा पानी बह के निकल जाता है. तो कोई बात नहीं, दोबारा ले, कितनी बार ले आओ, चार बार ले, पांच ले, दस बार. वो परेशान हो गया, बोले दादाजी क्या है, पानी तो इसमें आ ही नहीं रहा, सारा पानी तो बह जा रहा है. बोले भले पानी बह जा रहा हो लेकिन तुम्हारी टोकरी साफ हो गई, है ना. उसी तरह हमको लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं कुछ अंदर रिटेन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है. पर पता कब चलता है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि जो है ना स्वच्छ हो रही है, हमारा दिमाग जो प्योर हो रहा है, है ना. तो एकदम से बड़ा रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे धीरे, है ना. जैसे पढ़ते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवन, तो धीरे धीरे आता है. आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित्र स्वादनम, तो एक एक पद पे धीरे 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 वो टेस्ट आता है, और एक दिन क्या होगा, अल्टीमेटली मतलब प्योर प्यूरिफाई हो जाएंगे 100%. तो अपने छोटी छोटी चीजों को ना इसमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे अरे तू तो कथा सुनता है, भागवत सुनता है, तू तो हरे राम हरे कृष्ण में चला गया, लेक्चर सुनता है, ये करता है, वो करता है. तेरे मेहमत आ जा, सिगरेट पी के दिखा तो जाने, है तेरे मेहमत तू इससे बात करके दिखा तो जाने. तो हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे अंदर हिम्मत है छोला माला करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है 4 बजे भोर में उठ के दिखाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है धोती कुर्ता पहन के दिखाओ. क्यों हम उसको अपनी हिम्मत दिखाएं वैसा करके गलत काम को, उसको बोले तू आजा मेरी हिम्मत, अपना हिम्मत यहाँ पे करके दिखा, तो बेकार में नहीं जाना है. क्योंकि जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, एक हमारे अंदर बड़ा जल्दी हेजिटेशन आ जाता है, नहीं उसको कंसिस्टेंट रखना है, तभी ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, ठीक है. और अल्टीमेटली जो थर्ड सॉल्यूशन है वो है मंत्रा, है ना. खास करके इस युग के लिए बताया गया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा. तो कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही उपाय है. तो मंत्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं शुरू किया था, मंत्रा और मंथरा सुनने में एक ही जैसा लगता है ना. तो मन का मतलब है तो माइंड, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और त्रा मन है उद्धार. इस मन का उद्धार का एकमात्र तरीका क्या है, मंत्र. और चैंटिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ही मंत्र को बार बार बोला जाए, इसको कहते हैं जाप. तो बार बार जब एक ही शब्द को अगर आप बोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत शक्ति है,
और ये ऑर्डिनरी वर्ड में नहीं, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि ऑर्डिनरी शब्दों में अगर आप चाहेंगे बार बार बोलने के लिए तो आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला। ये लाभ आपको कब मिलेगा? जब आप आध्यात्मिक नाम को ही बोलते हैं, जब स्पिरिचुअल वर्ड्स को बोलते हैं, है ना। तो भगवान के अनंत नाम है, उन्हीं नामों में जो हमारे शास्त्र हैं उसमें कलि संस्करण उपनिषद में रिकमेंड किया है क्या, होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताया गया कि इस मंत्र का अगर जाप हम लगातार कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम करते रहेंगे, उसी समय इसका असर पक्का होगा। बस इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब हम ये जाप करें तो बस जाप ही करें, यानी कि वन वर्क एट अ टाइम। फिर से बोलता हूं, वन वर्क एट अ टाइम, एक समय में एक ही काम। जनरली हमारा माइंड क्या करता है ना, करने नहीं देता, या तो पुरानी बात याद दिलाएगा या तो आगे की बात याद दिलाएगा, है ना। तो एक समय में एक काम होना चाहिए, एकदम फोकस्ड होके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना, व्यवसाय व्यवसाय होता है ना, व्यवसाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से बढ़कर ड्रामेबाज कोई नहीं होता। इतना तगड़ा ड्रामा करते हैं, आपने देखा होगा ना, वो जो सेल्समैन लोग होते हैं ऐसे, पर मतलब आपके पॉकेट का पैसा निकलवाने के लिए वो कोई रूप धारण कर लेते हैं, किसी स्टाइल में बोल लेते हैं, कितने प्यास, हाँ सर, अच्छे अच्छे से बात करेंगे, कितने फोकस्ड होते हैं। बिल्कुल वैसा फोकस होना पड़ेगा, एकदम सिंगल पॉइंट माइंड यहां लगाना पड़ेगा। तो जब हम ध्यान पूर्वक बैठ के इन नामों को बोलेंगे, भगवान को नामों को बोलेंगे और कान से सुनेंगे, बस इसमें कोई लीला का चिंतन नहीं करना और कोई कथा कीर्तन को याद नहीं करना, बस हरि नाम को अगर मुंह से बोले कान से सुने, मुंह से बोले कान से सुने, बस अगर हम इतना कर ले तो ये जो शब्द है, ये जो भगवान के नाम है, ये जब कानों में प्रवेश करते हैं तो हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। और भगवान ने बोला, कलयुग के लोगों के लिए बोला कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़े जो भगवान का नाम, पर ये नाम हमारे पर असर इसलिए नहीं करता क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते। अगर कोई ध्यान पूर्वक जाप करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दवा काम ना करे, क्योंकि कई लोगों पर कर रहा है, कई लोग जाप कर रहे हैं। अगर ये बोरिंग होला होता, एक दो बार में अगर थक गए होते तो लोग इसको छोड़ देते, है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि वन वर्क एट ए टाइम। एक बार दो बच्चे इसी तरह गए थे हिल स्टेशन, और वहां जाके एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बता रहा, ये देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है ना, कितनी अच्छी पहाड़ी है ना वहां पे, कह रहा हाँ पता है, नेक्स्ट वीक अपना एग्जाम भी है ना, और गया हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक में एग्जाम की बात कर, गया हिल स्टेशन एग्जाम की बात कर। और जब एग्जाम आ गया उसके पहले दिन, और सब दोनों बैठ के पढ़ रहे थे, तो कह रहा अरे उस दिन तो वो हिल स्टेशन याद है, कितना बढ़िया था ना, तो यहाँ था तो वो याद कर रहा, वहां था तो ये याद कर रहा। ऐसे ही माइंड आपको जप नहीं करने देगा। वैसे तो हरिनाम ही एकमात्र साधन है, जो चीज लोग सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ तपस्या या वर्शिप करके प्राप्त किए, वो कलयुग में सिर्फ हरिनाम लेके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग जो है ना करने नहीं देता, गली जो है वो चला, आपको करने नहीं देगा। उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती माइंड को बस फिक्स करा करना पड़ेगा। इसलिए संघ शक्ति कलयुग साथ में बैठ के जाप करते हैं, हरिनाम के बारे में सुनते हैं। तो इन शब्दों को अगर बार बार उदाहरण अगर बार बार अगर हम बोले तो फिर माइंड जो जल्दी कंट्रोल। इस प्रकार से मैंने आपको तीन सॉल्यूशन दिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपको दिया कि अपने इंद्रियों को सही जगह लगाएं तो माइंड जो है वो कंट्रोल होगा। दूसरा, स्पिरिचुअल नॉलेज ले, कुछ भी हो जाए डेली क्लास अटेंड करें, घर में पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, थोड़ा भी अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ने का प्रयास। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक शेख था, शेख होते हैं ना वो सऊदी अरब वाले शेख, तो शेख जो है एसी में बैठा हुआ था, तो उसका ऊंट आया, ऊंट आके कहता है सर थोड़ा सा मैं अपना मुंह अंदर कर लूं, बाहर बड़ा गर्मी है। हाँ आजा कर ले कोई बात नहीं। फिर सब कहता है सर थोड़ा पांव भी अंदर कर लूं, बाहर ना पैर जल रहा है बिल्कुल। हाँ कर ले। फिर कहता है सर थोड़ा सा अपना पेट और पीठ भी अंदर कर लूं क्या, बाहर बड़ा गर्मी है। हाँ कर ले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद ये देखता है इसके इतने पसीने क्यों आ रहे, तो देखता है टेंट के अंदर ऊंट है और वो आदमी बाहर है ना। उसी तरह माया क्या करती है ना, छोटा सा हमें बस स्पेस चाहिए, छोटा सा, थोड़ा सा, एक खाली टांग घुसाना, एक खाली हाथ घुसाना, बस क्या चेंटिंग आपका। इसलिए बताया जाता है कि सुबह सुबह जाप करना चाहिए, सुबह में डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, तभी तो लोग घोड़ा बीच के सोते हैं सुबह, और भक्त लोग उठ के जाप करते हैं।
तो उठ करके जाप करेंगे, जिन लोगों ने सुबह चैंटिंग किया उन्होंने देखा होगा उनका माला मक्खन की तरह होता है, लेकिन दिन में अगर माला करो खत्म ही नहीं होता, झांक के देखते रहता है बाबा कितना है, खत्म ही नहीं होता, परेशान हो जाते, खत्म ही नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि दिन में माया जाल बढ़ गया है ना, खाने का है, सोने का है, 50 फोन आ रहा, कौन किससे बात कर रहा, बाहर देख रहा, इंडिगो जा रहा, स्पाइस जेट जा रहा, एयर इंडिया जा रहा, सबको छोड़ना होता, सब कुछ करना होता, उसमें जा हो पाएगा कुछ ना होने वाला है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भगवान के नामों में बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का हम पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे, पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इस हरिनाम को ध्यान पूर्वक लें तो मन कंट्रोल क्या है, तो कुछ भी नहीं है, इस संसार से मुक्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो तीसरा सॉल्यूशन में बताया गया, हरिनाम एवं केवलम, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं, यू कैन आस्क। और जैसे मैंने बताया कि आज दो चैनल पे ये क्लास चल रही है, तो मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा दोनों चैनल पे रिप्लाई करने का। यस नीला प्रभु पूछिए, उसके बाद अवधेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, धन प्रणाम। ये फॉल्स ईगो क्या है प्रभु? फॉल्स ईगो, ईगो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है सही अहंकार। सही अहंकार का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम भगवान के दास है ना, हम भगवान के सर्वेंट है, ये ट्रू ईगो। और जो हम गलत अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे कि अपने आप को इंडियन समझना, अपने आप को पुरुष समझना, अपने आप को इंजीनियर समझना, अपने आप को बहुत सुंदर समझना, मोटा समझना, पतला समझना, जो हम नहीं है, यानी कि बॉडी लेवल पे अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज फॉल्स ईगो। सोल लेवल पे जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसको कहते हैं ट्रू ईगो। पैशन या इग्नोरेंस आ जाता है, और जो इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ पैशन, ब्रो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ब्रो इसको। माइंड हमेशा गुडनेस में इसलिए रहता है क्योंकि शुरू में कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होता, उसमें कोई इम्प्योरिटी होती नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम गलत डेटा लेते जाते हैं उसी प्रकार से वो अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह से अकॉर्डिंगली करने लगता है। माइंड हमेशा गुडनेस में रहता है, कई लोगों का रह सकता है, वो सब डिपेंड करता है हमारे उसके यूजेज के ऊपर। जैसे बच्चे होते हैं बड़े सरल होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन से दूर होते हैं क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं दिमाग उनका चलता है, देन दे बिहेव अकॉर्डिंगली। इसी तरह बताया कि इनिशियली माइंड इज इन गुडनेस, लेटर ऑन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ केसेस में पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं, कभी किसी और सेमिनार में बताएंगे आपको कि शरीर छोड़ने के बाद तीन चीजें हमारे साथ कैरी होती है, मन बुद्धि और अहंकार। जैसे हमारा शरीर आठ तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार। तो ये जो पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से बना शरीर है तो यही छूट जाता है, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है ये सोल को अगले बॉडी में लेके जाता है। इसलिए कई बार पुराने जन्मों के संस्कार भी हमारे को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो भी तब हमारे को प्रभावित करेंगे जब करंट जन्म में उसको वैसा कुछ पेट्रोल मिला हो। अगर अच्छा संगति मिल गया हो तो वो बुरी चीजें उतना प्रभावित हमारे को नहीं करती, लाइक ठीक है। रोजी इंटेलिजेंस के बारे में भी, तो इंटेलिजेंस का क्या प्रश्न था? इंटेलिजेंस को कहते कि हमेशा मोड ऑफ पैशन में होता है, वो इसलिए कहते हैं इंटेलिजेंस को पैशन में, उसका भी यही है। इंटेलिजेंस भी क्या है, वो कुछ नहीं, एक एक प्रकार का कैलकुलेटर है, और उसमें भी डेटा फीडिंग के ऊपर है। वास्तव में माइंड बस डिजायर करता है, जो फॉर्मूलाज वगैरह बनाना है कि ये लेना है कि नहीं लेना है, करना है कि नहीं करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के हाथों में रहता है। इंजॉय करने का काम माइंड का होता है। तो इंटेलिजेंस में भी वही चीज है कि जिस प्रकार का डेटा हम डालते हैं, अगर अच्छे डेटा डालेंगे तो वो सात्विक रहेगा। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंस है हमेशा रजोगुणी होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति का जो दिमाग है वो रजोगुण नहीं होता, वो सात्विक होता है, बहुत कोई भी डिसीजन लेते हैं आराम से लेते हैं, और डिसीजन लेने का मतलब ही हो गया इंटेलिजेंस का प्रयोग, ठीक है ना। ओके अभिषेक प्रभु पूछिए। हाँ जी अभिषेक प्रभु, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो
प्रभु जी का प्रश्न ये है कि माइंड बाय डिफॉल्ट हमसे गलत काम क्यों कराता है। आपने देखा होगा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को कभी कभी आप गोद में लेके इस तरह करके गोल गोल घुमाओ ना, लोग खिलाते हैं ना बच्चों कैसे गोल गोल लेके, उसको जब खड़ा कर दो उसको दुनिया गोल गोल घूमती हुई दिखती है, पर वास्तव में दुनिया गोल घूम नहीं रही क्योंकि उसने इतना चक्कर काट लिया ना, उसको वैसे दिखता है। इसलिए माइंड ने इतने गड़बड़ घोटाला काम कर लिया पहले ना, इसलिए उसको अभी भी लगता है ना कि गड़बड़ वाला ही सही है। जैसे कि सुबह उठने का जो काम है ना, वो कई लोगों को ना बहुत फालतू काम लगता है। वो लोग कहते हैं तुमने 4 बजे रात में उठ के क्या करते हो, उसको मालूम नहीं 4 बजे रात नहीं 4 बजे सुबह होता है। और उसने अपनी जिंदगी में यही देखा ही है, हमेशा लोगों को सोते ही देखा है, 8 से पहले कभी किसी को उठते ही नहीं देखा। उसको जो लोग जल्दी उठते हैं वो पागल समझ आते हैं। जैसे कि एक बार एक चूहा था, चूहा जो है वो गया और क्या देखता है कि केज बना हुआ है और वहां पे एक नारियल लटका हुआ है। तो बोलता है कौन कुतुरिया नारियल छोड़ के चला गया बताओ मेरे लिए खाने के लिए, और जाके उसको खाता है। बाद में समझ में आता है, अरे यार बुद्धू वो नहीं, बुद्धू मैं था, वो तो मुझे फंसाने के लिए था। तो माइंड ऐसे करके हमारे को बेवकूफ बनाता है। हमारे जो पुराने डेटाज है ना, उन पुराने डेटाज के कारण माइंड हमें स्वराज करता है। तो एक क्या करना है, एक पुराना संस्कार बनाया उसके ऊपर एक नया संस्कार बनाना, और कलयुग में बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, लगे रहेंगे तो हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। मेरा प्रश्न ये है कि इस संसार में हर इंसान के अंदर में सोल है, और सोल की क्वांटिटी और क्वालिटी सेम होती होगी, लेकिन अगर हम देखें तो हर एक इंसान इस दुनिया में बिल्कुल ही अलग है, उसे आप दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई गुस्सेल है, कोई शांत है, कोई मनमुट, मतलब अलग अलग तरह के इंसान है। तो क्या वो फैक्टर है प्रभु जो उन सबको अलग बनाता है, क्या वो मन है या फिर कुछ और है जो अलग बना रहा है? कर्म, विल पावर, इच्छा शक्ति, जैसा कर्म करता है उस प्रकार का उसको अगला शरीर दिया जाता है। और ये जो कर्म है हम अपने फ्री विल से करते हैं, और इस फ्री विल को भगवान ने अनलिमिटेड करके रखा है, छोड़ दिया, उसमें कोई कंट्रोल नहीं। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और ये कहाँ का ज्ञान आपको पता ही होगा। ओके कश्मीर प्रभु, प्रणाम। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। तो इस लेक्चर में मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि प्रभु जी जो हम शास्त्रों के प्रति रुचि कैसे बढ़ाए प्रभु जी, तो शास्त्रों के प्रति हमारी रुचि नहीं बनती है, पता तो है बल्कि पढ़ने से हमारी जो बुद्धि है वो तेज होती है, लेकिन प्रभु जी शास्त्रों की तरफ रुचि का बड़ा कम आता, मुश्किल हो जाती है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि शास्त्रों के प्रति रुचि कैसे बढ़ाए, बड़ा सरल है। अगर बिजनेस करना है तो किसका संग करना चाहिए, बिजनेसमैन का। अगर बोतल वाला बनना है बोतल वालों का संग कीजिए, संत बनना है संतों का संग कीजिए। उसी तरह जिनकी रुचि शास्त्रों में है उनके साथ ना अपना उठना बैठना बढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके साथ बैठेंगे वो उनका गुणगान करेंगे, शास्त्रों के बारे में बताएंगे, और आप सुनोगे और बोलोगे अच्छा ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, कहाँ लिखा है जरा दिखाओ मैं भी तो पढ़ूं, है ना। तभी इंस्पायर होते हैं। तो तभी इंस्पायर होंगे जब जो इंस्पायर्ड है उनकी, ये कॉन्टेजियस है ये, है ना, छूत की बीमारी की तरह। तो जो लोग पढ़ते उनके साथ रहते हैं आपकी भी मन करेगा पढ़ने का, मानो नहीं पढ़ने का मतलब सुनने का तो मन जरूर करेगा। तो संग से धीरे धीरे रंग भी आने लगेगा, तो यही तरीका है। ओके नेक्स्ट प्रश्न सोनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जैसे आपने बताया कि सात्विक अन्न से भी बहुत फर्क पड़ता है, लाइक मतलब जैसा अन्न वैसा मन। अब हम बाकी सारे लेकिन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अनन गार्लिक के लिए जैसे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मतलब घर गृहस्थी में शांति रखना ज्यादा जरूरी है, मतलब अनन खाने से, और उसमें घर में लड़ाई होती है उससे, तो फिर क्या करनी चाहिए? देखिए ये तो एक बहुत भारी समस्या है नो डाउट, लेकिन अब आपने इस मार्ग पे पहला कदम रख दिया है, ऑनियन गार्लिक कैसे घर में खत्म करें इस मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, तब चिंता ना करें वो भी हो जाएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है हमारा आचरण। जनरली क्या होता है जब हम लोग आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं तो इतनी जल्दी और इतनी बड़ी पंडित या पंडिताइन बन जाते हैं हम ना, कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, मतलब रातों रात हमारे अंदर ना 180 डिग्री चेंज आ जाता है। हम टीवी नहीं देखते, हम बाहर के लोगों से बात नहीं करते, हम बाहर का नहीं खाते, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, अभी थोड़ा सा सुन लिया है इतना ज्यादा। इसलिए हमें बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलना चाहिए,
और बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना चाहिए धीरे धीरे। देखिए ऑनियन गार्लिक इसको छोड़ने से कोई भक्ति नहीं आ जाएगी, ये तो आदमी छोड़ता है ताकि इंसान बने। आप अच्छे से हरिनाम लें, अच्छे से प्रवचन सुने, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, आपका जो व्यवहार धीरे धीरे चेंज होगा घर में, जब आपका सात्विक नेचर लोग देखेंगे तो वह इंस्पायर होंगे, तो बोलेंगे देखो आप जहां सुन रहे और सुनो और हमें भी बताओ कितना भारी परिवर्तन आप में कैसे आ गया, पहले आप कितना लड़ते थे, कितना बोलते थे, कितना गुस्सा करते थे, कितना ये करते थे वो करते थे, आप में काफी चेंज आ रहा, व्हाट इज द रीजन, बस उस दिन लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा बता दो, ये सब के सब ऑनियन गार्लिक के कारण। तो सही समय का हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, तब तक हमें अच्छे आचरण से, क्योंकि अगर हम अच्छा आचरण रखेंगे ना, ऑनियन गार्लिक क्या है, बड़ी से बड़ी चीजें जो है लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम एडमेंट हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, रातों रात एकदम परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे फिर क्या होना, रिलेशंस भी खराब होते हैं और कोई छूटता उड़ता भी नहीं, तो वो भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बस आप जुड़े रहें, बने रहें और जो प्रैक्टिस बताया जा रहा है उसको पालन करने का प्रयास करें, भगवान अपने आप कृपा करें। यस नेक्स्ट नीतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा आवाज जा रही है? यस यस माता जी पूछिए। मैं बोल रही थी कि मेरा मन तो इतना चंचल हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है कि मैं माला करती हूँ तो ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, तो पहला वाला है उसपे उसपे वो पूरा नहीं हो पाता तब तो दूसरे पे हाथ चला जाए, मतलब ये पूरा सेंटेंस दोनों नहीं हो पाता है और दूसरे पे उंगली चली जाती है, ये मुझे अच्छी तरह पता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि भगवान को तो पता है कि मैं कर रही हूँ ना इसको, तो इसमें कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको अगर स्किप हो जा रहा है तो डबल कर ले माला। अच्छा तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि मन इतना डिस्टर्ब है कि मतलब माला में भी एक का दो, दो का एक हो रहा है, हाँ। है ना, अच्छा मतलब पेशेंस की बात कर रही हूँ, पेशेंस नहीं इतना कि दोनों सेंटेंस एक उंगली पे मतलब एक मोती पे रखे दोनों सेंटेंस पूरा हो जाए तब तक वो भाग जाता दूसरे। चलिए एक तो अच्छी बात ये कि कम से कम माला तो कर रहे हैं आप, कम से कम आप माला तो कर रहे हैं, नंबर वन ये अच्छी बात है। दूसरी बात, दूसरी बात आप नहीं, दूसरी बात और कि आप ये कि आप ये एडमिट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई भी अगर उनको अगर ये कहता है ना, कोई अगर उनको ये कहता है कि मौसम पति तो प्रभु ना पाई वे आ रहा, तो उसके ऊपर सबसे पहले कृपा होती है। आप कम से कम मान तो रहे हैं ना कि हाँ मैं कांडी हूं, मेरे से कांड हो रहा है, यहां तो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो तो कहते मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास माला कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कम से कम एडमिट कर रहे हैं। अब आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे अंदर थोड़ा सा धैर्य लाए, आपका नाम ले रहे हैं कुछ तो दया कीजिए, तो तब भगवान कृपा करेंगे, है ना। ज्योति दया ना देख, ज्योति दया ना करीबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे लागिया, तो भगवान तो पतित पावन है, वो हमारे इस पतित एक्टिविटी को देख रहे हैं कि किस तरह से हमें हमारी उंगलियां जो है इधर उधर भाग रही है, मन कितना चीटर है, तुरंत चीट करने की कोशिश कर रहा है, देखो प्रभु मैं ऐसा करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, आप मेरी मदद करें, फिर भगवान मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी बीमारी को बताना पड़ेगा, आप बीमारी बता रहे हो, भगवान आपको ऑप्शन बताएंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके कारण से दवाई खाना नहीं छोड़ना है, अर्थात ये जो हम ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि हमें चैंटिंग करनी, इस ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहां हम छोड़ देंगे तब तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो टाइम दीजिए और क्या करें, सप्ताह में एक बार यथासंभव अगर मंदिर में आ जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक ग्रुप चैंटिंग होता है ना, जैसे कुछ बेस के डिवोटीज जो है बेरसराय में और उधर सुल्तानपुर में और मंदिर में भी महावन में भी कुछ डिवोटीज जो है ना वो ग्रुप चैंटिंग करते हैं, जब ग्रुप चैंटिंग करते हैं साथ में जब करते हैं तो देखेंगे कि मेरी माला अब जाके पूरी हुई, और वो देखिए इनकी माला तो 5 मिनट 3 मिनट पहले ही पूरा हो, तो फिर आपको लगेगा ये तो गड़बड़ है ना, क्योंकि अकेले रहते हैं तो हम तो हमें लगता है कि हम तो बहुत चैंपियन है, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो फिर एक दूसरे को करेक्ट करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा ग्रुप चैंटिंग करेंगे साथ में रहेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ओके अगला प्रश्न देवेंद्र प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, आपने अभी किसी प्रभु जी का उत्तर दिया था कि हमें कर्मों के हिसाब से ही सुख दुख मिलता है और कर्मों के हिसाब से ही अगला शरीर प्राप्त होता है, तो मैंने कहीं ये भी सुना है कि हमें जिसमें लास्ट टाइम जिसमें शक्ति होती है हमें वो शरीर प्राप्त होता है, इन दोनों में से सही क्या है? दोनों ही सही है,
दोनों बात सही है। देखो जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से अगला शरीर मिलता है। अब देखो होता क्या, लास्ट टाइम में होता क्या, सिंपल सी बात है, पूरे जीवन हम जो काम करते हैं उन कामों में जिस चीज में हमारी सबसे अधिक आसक्ति होती है, सबसे अधिक आसक्ति, मान लो पूरी जिंदगी हमने जो भी कुछ किया उसमें से एक आसक्ति हमारी कैडबरी चॉकलेट में, अंत समय में वही आएगा। इसलिए देखा कई बार बूढ़े लोगों से पूछते हैं बाबा क्या खाओगे, तो बोलता जलेबी, तो उसको खिला दे भाई, तो पता चला अगली बार आया जलेबी खाने के लिए दोबारा, तो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास करते हैं। तो पूरे जीवन में हम जो काम करते हैं उन कामों में किसी एक काम में हमारी आसक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जिन चीजों में हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है वही स्लाइड आके आंखों पर रुकता है और उसी से मिलता जुलता हमारा शरीर जो है वो प्राप्त होता है। इसीलिए बताया जाता है कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन कॉल्ड डेथ। ये मनुष्य का जीवन क्या है, एक तैयारी, किसका, एक फाइनल एग्जाम का जिसका नाम मृत्यु। अब उस एग्जाम की तैयारी अगर हम अच्छे से करेंगे, अपनी आसक्ति आध्यात्मिक चीजों में रखेंगे, भगवान में रखेंगे, तो हमारा गंतव्य स्थान वही होगा, और संसारिक चीजों में रखेंगे तो गंतव्य स्थान संसार का होगा, लाइक दैट। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ओके, यस माता जी, रिचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, काफी टाइम बाद जो है थोड़ा थोड़ा फोकस और आपका इंटरेस्ट जो है, हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे लो होते जाता है, तो उसको फिर से रीगेन या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट। एट फर्स्ट वी शुड थिंक दैट वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट। हम लोग परफेक्शनिस्ट नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं, जब शुरू करते हैं ऐसा शुरू करते हैं ऐसा लगता है कि हम बस कुछ कुछ करके रहेंगे, आज तो पूरी गीता खत्म करके रहेंगे, और दो दिन और तीन दिन सही चलता है उसका गीता और हम दोनों गायब। तो हम क्या करें ना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, छोटे छोटे टारगेट्स, जैसे खाना खाने के पहले थोड़ा पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा पढ़ेंगे, सोने के पहले थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसे करके। और एक वीकली टारगेट बनाए, एक मंथली टारगेट बनाए, एक एनुअल टारगेट बनाए। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको हम लोग बताते हैं कि आप मान लो सप्ताह में एक दिन 7 घंटे का टारगेट रखो, एक दिन, तो पूरे वीक में लगभग 50 घंटे हुए, 49-50। उसमें भी हमें यह देखना चाहिए कि 80% अगर हम अपना टारगेट मेट करते हैं, बिंगो, बहुत अच्छे, हरी हरी। क्यों? क्योंकि 80% भी कम नहीं है, बाकी 20% धीरे 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 ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं पूरा का पूरा 100% करके रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करना है, करते रहना है, थोड़ा 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 करते रहना है। कभी काल अगर छूट गए, जैसे मान लीजिए आज 7 घंटा, कल 7 घंटा, परसों 7 घंटा, जनरल पढ़ाई की बात कर रहे हैं या स्पेशल पढ़ाई की, आज 1 घंटा, कल 1 घंटा, हो सकता है परसों छूट गया, अगले दिन छूट गया, लेकिन जब हम ठीक होंगे उस दिन मेकअप करेंगे उसको, 2 घंटा 3 घंटा। एक तो ये स्टेप है ना, कि एवरेज लेके चले, थोड़ा थोड़ा लेके चले और परफेक्शनिस्ट ना बने। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रिविजन बहुत जरूरी है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज नहीं करते, जैसे थोड़ा भी हमने पढ़ा ना तो उसको पीछे का रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नया कंटेंट से। नया कंटेंट भले ही 40% हो, रिवीजन 60% होना चाहिए। वो रिवाइज करने से क्या ना, पुराना वाला जो होता है वो, उससे मोटिवेशन मिलता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो ऐसे कुछ तरीके हम ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 7:30 बज चुका है। वरुण प्रभु प्रहलादपुर से, उसके बाद आप लोगों के लिए एक हम वीडियो दिखाना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के बेसिस पे, जो हमने आपको सेमिनार दिया इसके बेसिस पे एक छोटा सा वीडियो है, ये वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो लगभग 15-16 मिनट का है और अपना क्लास 7:45 तक चलता है, 7:45 तक, इसलिए मैं 7:30 के आसपास विराम देना चाह रहा हूं। तो ये वीडियो आप देखिएगा, एक बड़ा अच्छा ड्रामा है मी एंड माइंड का, जो भी मैंने बताया है ड्रामा के माध्यम से आप देखेंगे, बहुत बढ़िया है और पूरा का पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके वरुण बाबू। हम चैंटिंग करते तो अच्छे तरीके से कैसे करें? मॉर्निंग के टाइम। अच्छा, तो आपका प्रश्न ये है कि अगर हम जाप करते हैं भगवान का तो सुबह के समय हम अच्छे से जाप कैसे करें? एक तो आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि सुबह में हम करें, दूसरा वैसे तो संघ में बैठ के करना चाहिए लेकिन आजकल तो संघ है नहीं, आजकल ऑनलाइन संघ चल रहा है, तो ऑनलाइन संघ का करें, मतलब जो अगल बगल में आसपास में जो माताएं हैं एक ग्रुप बनाए उसमें ग्रुप चैंटिंग करें। तीसरी बात, चैंटिंग का असर पिछले दिन के कार्यकलापों का बहुत ज्यादा पड़ता है चैंटिंग के ऊपर। पिछले दिन हमने क्या पढ़ा है, तो हरिनाम के बारे में
भगवान के बारे में कुछ पढ़े, जो हम पढ़ते हैं उसका फर्क पड़ता है। अगर पिछले दिन लड़ाई की है तो लड़ाई का भी फर्क पड़ता है चैंटिंग के ऊपर, है ना, उसमें दांत पीसने लगते हैं सुबह सुबह ही हम। तो जाप का जो असर है वो पिछले दिन पे ही बहुत पड़ता है, इसलिए हमें पढ़ना भी चाहिए उसके बारे में, है ना। और जाप को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, अपने साउंड को खुद भी रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके सुनते हैं कि पूरे अक्षर बोल भी रहे हैं कि नहीं। खा जाते हैं कई लोग, है ना, अरे किन्ना 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 कितना कितना और फिर गायब, है ना, किसमिस 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 फिर खैर। तो ऐसे करके ना फिर चैंटिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, हम शब्द भी खाते हैं। तो ये सारे कई तरीके हैं जिससे हम अपने जाप को अच्छा कर सकते हैं। और जिसको अच्छा करना चाहते हैं उसके बारे में और पढ़ें अधिक से अधिक, जैसे हरिनाम चिंतामणि बुक है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, उसी तरह नाम अमृत है, वो उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जाप को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी हैं प्रभु, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, हमें प्रयास ये करते हैं कि टाइम से खत्म हो। तो अभी एक हम आपको ड्रामा दिखाना चाहते हैं, ये ड्रामा जो है मी एंड माइंड के ऊपर है, और अनंत राघव प्रभु को बोलूंगा कि हमारे बेसराय वाले ग्रुप में जो है, अनंत राघव है क्या? यस गुरुजी, कर दो। आप इस वाले ग्रुप पे ऑन कर दीजिए, और जो एक और ग्रुप है उसमें मैं ऑन करता हूँ। आप ये देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया ड्रामा, मतलब जो स्लाइड हमने डिस्कस किया उन्हीं स्लाइड के बेसिस पे ये जो है प्ले है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, आपका बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के आसपास है। हरे कृष्णा। Thank you.
Yeah.
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, ये काफी पुराना वीडियो है, 2010 के आसपास ये रिकॉर्डिंग हुई थी हमारे मंदिर राधा पारसाथी टेम्पल में, अमोघ लीला प्रभु हम लोगों ने मिलकर उस समय ये किया था। तो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है उसी का एक सिनॉप्सिस है। और अमोघ लीला प्रभु से याद आया कि हमने उनको भी इन्वाइट किया हुआ है, तो बहुत ही जल्दी वो भी एक सेमिनार लेने के लिए आने वाले हैं। लेकिन आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए और इतने उत्साहित हो के आपने सेमिनार में भाग लिया, और खास करके आज जबलपुर टीम और आया नगर की टीम भी आई हुई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह अपने जीवन में भगवान के दिए हुए इन संदेशों को उतारेंगे और अपने माइंड को माया के नहीं भगवान के सामने लगाएंगे। कल शाम में फिर मिलते हैं 6:15 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, समेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी के लिए एक बार जोर से कृष्णा मंत्र पढ़े, लेक्चर भी दिया, साथ साथ ड्रामा भी किया। आपने पहचाना प्रभु जी को? कितने लोगों ने पहचाना था? ओके, सबने पहचान लिया था। तो हम लोग थैंक यू बोलेंगे एक जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला भोपाल की जय।